नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। बालाघाट जिले के ग्राम खैरलांजी के रहने वाले एक युवा के पाकिस्तान की जेल में बंद होने का परिजन दावा कर रहे हैं, जिसकी जानकारी लगते ही परिजनों ने जिला प्रशासन के जरिए भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। वहीं बालाघाट कलेक्टर गिरीश कुमार ने कहा कि हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है, यदि पीड़ित परिवार प्रशासन तक पहुंचता है तो निश्चित ही मदद के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान की जेल में बंद खैरलांजी का 36 वर्षीय प्रसन्नजीत रंगारे को छुड़वाने के लिए परिजन अब मदद की गुहार लगा रहे हैं। प्रसन्नजीत के माता पिता बूढ़े हो चुके हैं और बेटी की रिहाई के लिए भागदौड़ करने में सक्षम नहीं हैं, जिसके चलते अब प्रसन्नजीत की बहन संगमित्रा खोबरागड़े जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के समक्ष मदद की गुहार लगा रही हैं। जहां बहन संगमित्रा खोबरागड़ का दावा है कि उनका भाई प्रसन्नजीत पाकिस्तान की जेल में बंद है, जिसकी जानकारी उन्हें जम्मू कश्मीर के कुलजीत सिंह कछवाहा के माध्यम से मिली है, जो पाकिस्तान की जेल से सजा काटकर वापस भारत लौट आए हैं, जिन्होंने फोन करके परिजनों को सूचना दी है। बता दें, प्रसन्नजीत बालाघाट जिले की वारासिवनी तहसील के ग्राम खैरलांजी का रहने वाला है, जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और 10 साल पहले वो घर से लापता हो गया था, जिसकी अब तक कोई खोज खबर नहीं थी और परिजन भी ये मानकर चल रहे थे कि प्रसन्नजीत शायद अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अप्रैल 2022 में एक ऐसी खबर निकलकर आई कि परिजन खबर सुनकर दंग रह गए। पाकिस्तान के लाहौर की लाजपत जेल से सजा काटकर भारत लौटे जम्मू कश्मीर के कुलजीत सिंह कछवाहा ने प्रसन्नजीत के जीवित होने और पिछले 2 साल से पाकिस्तान की जेल में बंद होने की जानकारी उसके परिजनों को दी है, जिसके बाद से परिजन भी प्रसन्नजीत की विदेशी जेल से रिहाई के लिए लगातार प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं और प्रसन्नजीत से संबंधित सभी दस्तावेज भी तैयार कर लिए गए हैं। हालांकि प्रसन्नजीत पाकिस्तान तक कैसे पहुंचा अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसके अलावा इस खबर की पुष्टि भी नहीं हो पाई है कि वाकई में प्रसन्नजीत पाकिस्तान की जेल में बंद है, लेकिन जम्मू कश्मीर के एक कथित शख्स कुलजीत सिंह कछवाहा की सूचना के आधार पर एक बहन ने अपने भाई के पाकिस्तान की जेल में बंद होने का दावा किया है और उसकी रिहाई के लिए वो हर कोशिश करने को तैयार हो चुकी है। जी, आपका परिचय बताएं, क्या कहाँ रहते हैं? जी, मैं संगमित्रा खोबरागड़े में के पार में रहती हूँ। आपका भाई लापता है, क्या क्या मामला है? मेरा भाई ग्राम खैरलांजी तहसील वारासिवनी जिला बालाघाट का निवासी है। वो 10 साल से मेंटली था और वो बस घूमते फिरते ही रहा करता था, उसके बाद में वो लापता हो गया 5 साल से। तो हम लोग सोचा कि वो ख़त्म हो गया, पर अचानक ही पता चला 2022 में कि वो है और पाकिस्तान के लाहौर जेल में कैद है। तो हमें कुलजीत सिंह कछवा अंकल ने बताया, हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि वो आपका भाई जो है वो रिहाई चाहता है। तो मैंने कहा कोशिश करूँगी रिहाई करने की। गए साल हम लोग कलेक्टर के पास में गए थे तो कलेक्टर ने कार्रवाई करके वो डॉक्यूमेंट्स पूरे दिल्ली भिजवा दिए है, पर कुछ दिल्ली से कुछ कार्रवाई आगे बढ़ी नहीं। तो हमने अभी कहा कि और हम दोबारा कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे करके, तो बोले हम लोग बालाघाट आ जाएंगे। तो कलेक्टर साहब से मिल के कार्रवाई आगे बढ़ाने की कोशिश गृह मंत्रालय के लिए करेंगे, ऐसा सोची थी। अब मैं सबसे मदद चाहती हूँ कि भारत सरकार मेरी मदद करे, मोदी सरकार मेरी मदद करे मेरे भाई की रिहाई में। वो कुलजीत सिंह जो है वो उनसे कैसे संपर्क हुआ, वो कौन है? कुलजीत सिंह जी खचवा अंकल वो जम्मू कश्मीर के हैं, उन वो 20 साल वहाँ सजा काट चुके हैं और 2021 में उनकी रिहाई हुई। कुलजीत सिंह ने आपके साथ संपर्क कैसे किया, आपको कनेक्शन कैसे मिला? हमारे को कनेक्शन जो है वो मेरे बड़े बाबूजी का नंबर दिया था उन्होंने, तो भाई ने नंबर दिया था बड़े बाबूजी का, तो बड़े बाबूजी को 2 बार फ़ोन लगाया, उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वो लाहौर जेल में है करके। हमारे खैरलांजी ग्राम के जो नकपुरे जी हैं उनके भांजे डेविस, उनकी दुकान में फ़ोन करके बताया कि प्रसन्नजीत रंगारी जो है वो लाहौर की जेल में कैद है। कब की बात हो गई, ये पता कब चला था? हमको 2022 में पता चला। उसके बाद तुरंत ही कलेक्टर साहब को किया? नहीं, तुरंत ही नहीं किया, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं थे हमारे पास में, तो हम लोग डॉक्यूमेंट्स जमा किए और फिर अप्रैल में कार्रवाई किए।
ये बताइए अभी तक आपने कहाँ का प्रशासन से मदद की गुहार की? मैंने विधायक प्रदीप जायसवाल से भी मदद मांगी, उन्होंने भी मदद नहीं किया। कलेक्टर साहब से भी मदद मांगी, उन्होंने भी मदद नहीं किया। अब क्या चाहती हैं? अब मैं चाहती हूँ कि भारत सरकार मेरी मदद करे और कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए मेरे भाई की रिहाई करे। प्रसन्नजीत का नाम वहाँ लाहौर की जेल में क्या है? प्रसन्नजीत का नाम लाहौर की जेल में सुनील अते, पिता का नाम विक्रम अते है। यहाँ पर भाजपा कार्यालय क्यों आई थी जी? मैं अंकल जी से मिलने आई थी। सर, बालाघाट खैरलान जी के युवक पाकिस्तान जेल में होने की बात उनके परिजनों का दावा है, आपसे मदद मांग रही, किस तरह से पहल होगी प्रशासन से? देखिए, मामले का संज्ञान बिल्कुल भी नहीं है और इनकेस अगर परिवार को प्रशासन से सहायता चाहिए होगी तो हम लोग ACS होम के माध्यम से पत्र भेजेंगे। सर, लगभग 5 साल से ऐसा लापता है उनका कहना, 3 अभी हाल ही में उनको पता चला 1 साल पहले कि वो लाहौर जेल में है। परिजन अगर सामने आएंगे तो हम लोग उनसे चर्चा करेंगे, जो भी मदद हो पाएंगे हम लोग करेंगे। सर, किस तरह की प्रोसेस रहती है इसमें? डिटेल जानकारी नहीं है, फैक्ट्स भी क्लियर नहीं है तो कुछ बताया नहीं जा सकता अभी।